एस एल एन जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान इंस्टीट्यूट की अपील, घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बस आपको गाइडलाइनों का ध्यान रखते हुए हर कार्य को करना है। तो पिछले लेक्चर में आप कहां थे, आप सभी को मालूम होगा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे थे, मतलब हमने विधियां पढ़ ली थी। ठीक है, कौन कौन सी विधियां पढ़ ली थी आप सभी को मालूम होगा, ग्राफीय विधि और बीजगणित विधि। और बीजगणित विधि के अंदर अपन ने कितनी विधियां पढ़ी थी, तीन विधियां। कौन कौन सी, पहली कौन सी थी, पहली आपको याद होगी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि। तो आज हमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। तो सभी विद्यार्थी अपनी किताब में प्रश्नावली 3.3 निकाल लें और उसका पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले ज्ञान इंस्टीट्यूट का स्लोगन, आपसे यही अपील, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। इसी के साथ हम प्रश्नावली 3.3 आप किताब में देख सकते हैं, उसका पहला प्रश्न क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप देख सकते हैं आपके पास भी बुक होगी, उसमें यही प्रश्न लिखा है, सेम टू सेम। किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, कक्षा बस 10वीं होना चाहिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और उसके कितने ऑप्शन दिए हैं, 6 ऑप्शन दिए हैं। उसमें अपन पहला वाला ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये सवाल, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो विद्यार्थी बिल्कुल मत घबराना, सबसे सरल गणित और प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आराम से जो हम बता रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। कोई भी सवाल आ जाए, चाहे बुक का और चाहे बुक से बाहर का, और लिख दिया गया हो कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है वो रैखिक समीकरण के रूप में है, व्यापक रूप में है, अगर नहीं है तो पहले उस रूप में बनाए। तो ये है, हाँ है, तो जब है तो आपको क्या करना है, पहले वाले को समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। क्या करना है, 2 समीकरण दिए हैं तो पहले को मान लेना कि समीकरण 1 और दूसरे को मान लेना समीकरण 2। अब आपको किसी एक समीकरण से, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से, एक चर का मान निकालना है। तो हम किससे निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से। तो मैंने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और क्या लिखेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, तो मैं किसका मान निकाल रहा हूं, x का। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, x का भी या y का, एक का निकालना है। ठीक है, तो हम x का निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालने के लिए हमें y को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो आप सभी पढ़ के आए 9th क्लास, उसमें नियम पढ़ा होगा, किसी भी पद को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये बाई जो लिखा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा, तो 14, और बाई उस तरफ जाएगा तो 14 माइनस बाई हो जाएगा। अब इसको आप क्या बना लोगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये काम करना है, क्या काम करना है, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है। तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। ठीक है, तो एक समीकरण से x का मान निकाला। अब क्या है दूसरा स्टेप है, जो मान निकाला है वह मान दूसरे समीकरण में रख देना है। तो हमने किसका मान निकाला है, x का, तो x का मान कहां रखोगे, समीकरण 2 में। तो हम लिख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर। तो एक्स का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण दो में। तो एक्स का मान समीकरण दो में रख दो तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस बाय एक्स की जगह 14 माइनस बाय, मतलब एक्स को हटाओ और एक्स का मान रख दो, एक्स की जगह एक्स का मान रख दो। तो एक्स ये लिखा था, इसकी जगह मैंने 14 माइनस बाय और माइनस बाय ये वाला और बराबर का चिन्ह, तो बराबर के नीचे बराबर और बराबर कितना लिखा था 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब 14 ज्यों का त्यों और बाय और बाय ये जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह घट जाते हैं। बचपन में दादा बताते हैं कि समान चिन्ह जोड़ दो, असमान चिन्ह घटा दो, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो देखो जी, समान है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बाई और बाई जुड़ गए तो कितने बाई हो गए, 2 बाई, और चिन्ह काय का आएगा माइनस का, और बराबर में कितना लिखना है 4, तो माइनस का 2 बाय बराबर 4 ज्यों का त्यों 14 को पक्षांतर कर दो, माइनस के 14 तो माइनस 2 बाय बराबर, देखो 14 में से 4 अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये 4 प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और 14 काय का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा। 14 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 10, लेकिन काय का माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो माइनस का क्या लिख दोगे आप, माइनस का 10, क्या लिख दोगे, माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख दिया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाय बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा 2, 10 बटे कितना हो जाएगा 2, अब 2 का भाग दे दिया तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, तो ये बचा 5, तो ये किसका मान निकल आया, बाई का मान। अब ये मान आपको कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में। तो जो बाई का मान निकल आया है वो समीकरण 3 में रख दो, तो हम लिख देंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 3 में रख दो तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 14 माइनस बाई, तो 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 तो कितना आ गया 9, तो अब नीचे आप लिख दोगे अतः एक्स बराबर 9 और बाई बराबर 5। ये आपका सवाल पूरा हुआ, और एमपी बोर्ड में ये प्रश्न 4 अंक में पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया है तो आपको व्यापक रूप जैसा दिया है वैसा ही, अगर सही लिखा है तो ठीक, नहीं है तो उसको सही बनाएं, और दो में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालें, वो चर का मान दूसरे समीकरण में रखें तो एक पद का मान निकल आएगा, और वह मान समीकरण 3 में रख दें तो दूसरे चर का मान निकल आएगा। अभी भी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो अगली बार और अच्छे से हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, तो आप बुक में देख सकते हैं ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा होगा। तो अब हमें विधि मालूम है, क्या देखना पड़ता है सबसे पहले कि ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है या नहीं। तो देखो व्यापक, ये तो व्यापक रूप है, ये भिन्न के रूप में दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना, परिवर्तित करना। तो देखो कैसे करेंगे, इसको तो हम मान लेंगे समीकरण 1, लेकिन इस वाले समीकरण को भिन्न के रूप में है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6,
अब भिन्न कैसे हल करते, इसका भाग इसमें देते तो तीन दूनी कितना हो गया छह, कितनी बार गया दो बार, तो दो का गुणा उसके अंश में, तो दो का एस में किया तो दो एस प्लस दो का भाग अब छह में देंगे तो कितनी बार जाएगा तीन बार, तो तीन का उसके अंश में गुणा तो तीन ती बराबर कितना दिया है छह, तो अब दो एस प्लस तीन टी बराबर छह का त्रियक गुणा छह के साथ, तो छह छह कितना हो गया छत्तीस, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दो। ये क्योंकि रैखिक समीकरण के व्यापक रूप जैसा दिख रहा है, तो अब इसको किस विधि से हल करना है, तो आप सभी को मालूम होगा इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग सीख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं, पहले प्रश्न में हम आपको सिखा चुके। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो क्या बताया था मैंने कि दो समीकरण बन जाएं तो किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालो और वो मान दूसरे समीकरण में रख दो। तो हम एस का मान समीकरण एक से निकाल रहे हैं और वो मान हम समीकरण दो में रख देंगे तो एक चर का मान निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, तो लिखते हैं हम किसका मान निकालेंगे एस का, तो एस का तो अब किसको पक्षांतर करना है टी को। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी हम किसी चर या संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित, तो ये टी उस तरफ जाएगा, तो तीन प्लस कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, तो तीन प्लस कितना हो गया टी, तो ये इसको मान लेंगे हम क्या समीकरण नंबर तीन, क्या मान लेंगे समीकरण नंबर तीन। तो ये किसका मान निकल आया एस का, तो ये एस का ही मान हम किस में रखेंगे समीकरण दो में, तो यहां थ्योरी क्या लिख देंगे हम एस का मान समीकरण दो में रखने पर, एस का मान समीकरण दो में रखने पर, तो रख देते हैं क्या है समीकरण दो, पहले दो लिखा है तो दो लिख दिया हमने, फिर क्या लिखा है एस, तो एस की जगह क्या लिखना है तीन प्लस टी, तो एस की जगह हमने तीन प्लस टी लिख दिया। देखो ये दो लिखा था तो दो और एस का मान तीन प्लस टी, और प्लस में कितना लिखा है तीन टी बराबर बराबर कितना लिखा है छत्तीस, कितना लिखा है छत्तीस, तो छत्तीस लिख लिया मैंने। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो दो का गुणा तीन में किया बच्चों, तीन दूनी छह, ध्यान केंद्रित रखना है, अगर भटके तो गए, दो तिहाई छह, दो का टी में गुणा किया तो कितने टी हो गए दो टी, प्लस कितने टी तीन टी बराबर कितना हो गया छत्तीस। अब देखो ये समान चिन्ह है समान चिन्ह, तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो ये छह प्लस तीन टी और दो टी कितने टी पांच टी बराबर कितना हो गया छत्तीस, ठीक है समझ में आ रहा है। अब ये अंक है तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये छह उस तरफ जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं, तो पांच टी बराबर छत्तीस माइनस छह, तो पांच टी बराबर छत्तीस में से छह चला गया तो कितने बचेंगे तीस, अब तीस बचे तो टी बराबर तीस के बटे में कितना आ जाएगा पांच, जे गुणा में तो ये भाग में आ जाएंगे इस तरफ, अब पांच का भाग तीस में दे दो तो पांच छक्का तीस कितनी बार गया छह बार, तो टी का मान कितना निकल आया छह निकल आया, निकल आया ना सही है कि नहीं, अगर सही है तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर बाजू में शेयर भी करना है अपन को, तो t बराबर कितना आ गया छह। अब क्या करना है t का मान कहाँ रखना है समीकरण तीन में, तो यहां लिख देंगे t का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर t का मान, तो रखते हैं टी का मान समीकरण तीन में, तो एस बराबर कितना हो जाएगा
तीन प्लस टी की जगह छह, तो एस बराबर कितना निकल आएगा? नौ। तो भाइयों आप सभी को आ गया होगा, देखो दोनों चर के मान निकल आए। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम दो ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, अगर समझ में आ गया है तो इनको एक बार अपने मन से प्रैक्टिस करें और उदाहरण के प्रैक्टिस करें। आगे भी सवाल दिए वो थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, तो उदाहरण के क्वेश्चन हल कर सकते, बनेंगे जरूर, विश्वास है हमें आप पर भी और हम पर, मुझे अपने आप पर भी। तो आपको जरूर हल करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं तो मैथ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं कब? अगले लेक्चर में। उससे पहले होमवर्क नहीं भूलना, और ये चीज और, अभी कोरोना गया नहीं, ठीक है, तो मास्क नहीं तो टोकेंगे और कोरोना को रोकेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत, नमस्कार।